मन को अशांत किया है। अरे ओ काल भैरव, मैंने तुम्हें हमेशा लहू के घट पिलाए हैं, तुम्हें मदिरा पान कराई है और नित्य प्रति तुम्हारे ऊपर मैंने मरघट की राख चढ़ाई है, फिर भी तुमने मुझे भयभीत किया, मेरे हृदय पर बच्चाघात किया। तुम नहीं जानते ओ काल भैरव, ये हिमालय और सागर मेरी कीड़ा के निकेतन है, ये धरणी आकाश मानते मेरा ही शासन है। चरण भी भर नहीं सकता वो नारायण मेरे इस तारकन में कि सोता है सदा ही वो छी सागर में। कदाचित यदि ये कुत्र योजना किसी की साकार होने के लिए हमारे इस तारकन में आई है तो उसे मैं देखूंगी, अरे देख लूंगी सर उठाने का मजा, मौत भी कांपेगी, मैं दूंगी उसे अच्छी सजा। लेकिन मेरा सेवक, मेरा रक्षक, ये चिटोटन कहां गया? मेरी सेवा में नित्य प्रति रहा करता था, लेकिन आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर कहां गया है? समझी तालक बन में ये कहीं गया है अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए। मैं समझ गई लेकिन बुलाऊंगी उसे। आओ चिरपोटन, चिरपोटन, ऐसा दृश्य मैंने आज तक कभी देखा नहीं। मेरे शयन कक्ष में इस अवस्था में ये कौन है? समीप जाती हूँ, जाकर देखती हूँ है ये कौन। परिवर्तन हो गया, अभी ये मेरी ओर संकेत कर रहा था, लेकिन अब इसकी अवस्था बदल गई है। आखिर है ये कौन? समीप जाकर देखूंगी ये कौन है। बचाओ! अच्छा तो तू है चिरपोटन? इधर आओ चिरपोटन, इधर आओ। मुझे बताओ चिरपोटन, का यहाँ कोई आया था? कौन नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मैं भी अनुभव कर रही हूँ, हम रूबी रानी के इंतजार कर आओ नहीं आई। मैं भी अनुभव कर रही हूँ चिरपोटन, यहाँ कोई आया ही नहीं है, सब दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए? अरे मैं तो इस तारक बन में आज से नहीं करीब 30 साल हो गए, मैं यहाँ जब से नियुक्त की गई हूँ तब से इस चरित्र को बराबर इस तारक बन में ही दिखाती रही हूँ, लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई आया ही नहीं है, ना इधर कोई आया है, ना इधर कोई आया है।
पोतन मैं समझी आए तो हैं लेकिन मुझे देख रहे हैं तुम्हें देख रहे हैं लेकिन अपने मन में कुछ सोच नहीं रहे हैं। कुछ सोचेंगे तभी तो हमें और तुम्हें आनंद आएगा। तुमने नहीं जगाया, हमने नहीं जगाओ तो फिर मैं ये जानना चाहती हूँ महारानी, यदि हमने जगाओ हो तो यदि हमने जगाओ हो तो हमारे बगल वाले की दोनों आंखें फूट जाए। अच्छा, मैं तेरे बगल में खड़ी हूँ और तू मेरी आंखों को खोलना चाहता है। अरे ना 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 मैं तेरी आंखें खोलूं। अरे हम यो कह रहे हैं अगर हमने जगाओ हो तो भाई, अगर हमने जगाओ हो तो मारो मैं भाई, हमने तो जगाया नहीं। अगर हमने जगाओ हो तो महारानी, अगर हमने जगाओ हो तो हम सामने वाले की तिरही की पूरी खाएं। अच्छा, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ और तू हमारी तिरही की पूरी खा। प्रेमी सज्जनों, इस अभिनय को बहुत लोगों ने देखा होगा। आज से नहीं, करीब 30 साल हो गए हैं। धनेश जी और हमारे जो आपके समीप के भाई सेनूपुर के मेवालाल जी और भगवती भैया आदि आदि यहाँ इस मंच पर हमें बुलाते रहे। और डॉक्टर साहब की जो बाल्यावस्था थी उस समय से ये हमें बुला रहे हैं। तो चित्रपोटन मैं जब भी मुझे सेवा के लिए बुलाया जाता है मैं इस मंच की सेवा करती हूँ और अनवरत करती रहूंगी जब भी मुझे बुलाया जाए। हाँ, ये बात अवश्य है कि कुछ वर्षों में यहाँ अन्न अन्न लीलाएं होती रही, हमारी आवश्यकता ही नहीं पड़ी तो हमें बुलाया भी नहीं गया। इस साल डॉक्टर साहब के विशेष प्रयास से मैं यहाँ पर बुलाई गई हूँ। हमारा उद्घाटन आपकी साल। हाँ, तुम्हारा उद्घाटन एक विशेष कार्य को लेकर हुआ है। अब यदि तुम इनके मन में भा गए होगे तो तुम बुलाते बुलाए जाते रहोगे। अब बताओ, अब मुझे बताओ चित्रपोटन क्या करना है। डॉक्टर साहब ध्यान दीजिए, इधर कुछ सोचिए नहीं। हाँ, मुझे बताओ कि अब किसने की हाँ किसने की और टंको और चिल्पोटल बोलो तुम मोहो बचाओ कौन है बताओ। सामने से ये चक्रवात आज तारक बन में उमड़ता उमड़ता चला रहा है। अब इधर को देखो आदित्या की तारक बन को है चक्रवात, इधर को देखो आदित्या की तारक बन को है चंचल बना, तारक बन को है चंचल।
प्रयत्न होता है घन घोर मचाते चले आ रहे जो बताओ कौन है वो 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 और भी हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है क्या क्या सुनाई पड़ रहा है देखो ये ऋषियों का समुदाय आज तारक बन में एक मंडल बनाकर प्रवेश करना चाहता है। अब है यदि ये ऋषियों का समूह तो बेग में खा जाऊंगी बेग में खा जाऊंगी और करूं मैं युद्ध आज घनघोर करूं मैं युद्ध आज घनघोर कुटोचन कहूं वचन खोल बताओ कौन है वो 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 बताओ कौन है किस माई के लाल ने आज मेरे मन को अशांत किया है मेरे हृदय को भयभीत किया है चित्रचंद मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं सो रही थी और अचानक सोते से मुझे किसने जगाया है बताओ चित्रचंद अब सोते से हाग जब ये सोते से हाग जब ये अब किसने हमें जगाया सोते से हाग जब ये इसका पता लगाओ और किसने की है तुम जल्द देख आओ और किसने की है तुम जल्द देख आओ तो करूंगी मैं सारे समाज से उन सबों का सफाया उन सबों का महारानी मेरा मन बहुत अशांत है चित्रचंद सोते सोते चौक मेरे पास मेरी सहेलियों को बुलाओ मुझे गीत सुनाओ और मेरे मन को शांत करने का प्रयास करो ठीक है महारानी आप विराजो और हम आपकी सहेलियों को बुलाते हैं जी